माता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, त्योहारों का मौसम है, नवरात्र आने ही वाले हैं, बच्चे हैं बहुत कम दिन, हर घर में साफ सफाई का अभियान बस शुरू होने वाला है ताकि माँ के आगमन में कोई कमी नहीं रह जाए। वहीं दिवाली भी आने वाली है और दिवाली को हम क्या कहते हैं, सफाई का त्यौहार, जिसमें जम कर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और फिर अपनी अंतरात्मा के साथ साथ अपने बाहर के आसपास की सफाई का त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं हमारे घर के मंदिर की, तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी पूजा पाठ तो वहीं होने वाली है। हम अपने देवी देवता भगवान को वही स्थान देकर, वहीं विराजमान कर उनकी सेवा करते हैं। घर का मंदिर वो स्थान जो घर में खुशहाली लेकर के आता है, शांति लेकर के आता है। और ये ऐसा माना जाता है, यदि किसी का मन अशांत है और वो पूजा स्थान या मंदिर में सिर्फ 10 मिनट बैठ करके ध्यान करे, भगवान से कनेक्ट करे, मन की शांति की प्रार्थना करे, तो अवश्य उसके जीवन में सकारात्मकता तुरंत आती है। हमारे घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए घर का जो मंदिर है, इसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखना चाहिए। इसमें अनाप शनाप चीज़ों को नहीं भरना चाहिए, लिमिटेड चीज़ें जो आपके काम की है बस वो ही रखना चाहिए। हमेशा ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, ऐसी वस्तुएं वहाँ स्थापित करनी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आए, और ऐसी कोई भी चीज़ इस मंदिर में ना रखें जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचारण हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि हमारा पूजा रूम कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, भगवान की मूर्तियां हमें कैसी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो लोग मूर्ति को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मैं कई घरों में जब भी वास्तु देखती हूँ या कुछ भी किया है या ऐसे भी जनरल फैमिलीज़ में गई हूँ, तो कई जगह मैंने देखा है गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये तो होती है हर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हर घर में, कहीं हर जगह प्राय सब ने उल्टी रखी होती है। तो मूर्तियों की प्लेसमेंट हमेशा ठीक होनी चाहिए। लक्ष्मी माता को हमेशा भगवान गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करना चाहिए। मूर्तियों की संख्या जो होती है कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक ही देवी की आप बात कर रहे हैं, जैसे माँ दुर्गा की, अब हम गए कोई भी तीर्थ स्थल गए, वहाँ से ये भी ले आए, वो भी ले आए, ये मूर्ति भी ले आए, वो भी ले आए, वो भी फ़ोटो ले आए, वो भी फ़ोटो ले आए, सब ला करके एक ही जगह मंदिर में पूरी भीड़ भाड़। हमारी तो भावना होती है सच्ची भावना, श्रद्धा, पर वो टेम्पररी भावनाएँ हैं। आप ये देखें कि मैं लॉन्ग टर्म किसकी पूजा करना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म ऐसे देवी देवता को स्थापित करें जिनको आप मानते हों, जिनके प्रति आपकी भावना हो। और देवियों की मूर्तियाँ रखते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, 3 नहीं होनी चाहिए। इन दो दो मूर्ति रख सकते हैं, 4 मूर्ति रख सकते हैं, मतलब मिला के, ये नहीं कि दुर्गा माँ की 4 रख लिया, देवी माँ की 4, लक्ष्मी माँ की 4 रख लिया। आप मिला जुला के सभी देवियों की या तो 2 मूर्ति रखिए या 4 रखिए, 3 देवियाँ नहीं होनी चाहिए। जब भी घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इसके भी नियम होते हैं, मैंने हमेशा बताया कभी भी 2 शिवलिंग नहीं रखें, 3 गणेश नहीं रखने चाहिए, 2 शंख एक जगह नहीं रखने चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, 3 दुर्गा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए, गोमती चक्र रखने की संख्या 7 बताई गई है, और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे गृहस्थ में अशांति होती है। सभी एक साथ एक ही रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, 1 मूर्ति रखिए सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर का मंदिर जब आप बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि देवताओं का जो मुख है वो पूरब या पश्चिम की ओर हो, ताकि पूजा करने वाला व्यक्ति का मुख भी वैसे ही आना चाहिए, पूरब की ओर होना चाहिए, है ना, बेस्ट पूरब होता है, नहीं हो तो पश्चिम की दिशा में चलेगा। दक्षिण की ओर, दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से बचना चाहिए। और प्रथम पूज्य गणपति माने गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। विघ्नहर्ता की मूर्तियां भी अक्सर क्या होता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक तो गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ विराजित करते ही हैं अपने गणेश जी को, दूसरा शिव परिवार के साथ भी स्थापित होते हैं कई जगह, इसलिए भगवान गणेश जी की 2 प्रतिमा आप एक ही मंदिर में रख सकते हैं इस तरीके से, बाकी 3री प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और जो भी मूर्तियां आप स्थापित करते हैं भगवान की, कम से कम 1 इंच की दूरी पर रखें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटा सटा के, बिल्कुल एक क्लटर कर दिया आपने बिल्कुल, जैसे हमारी एक औरा होती है, हम किसी के साथ बैठते हैं तो क्या हर समय चिपक के बैठते हैं, नहीं, थोड़ी दूरी रखते हैं। इसी तरीके से भगवान की मूर्तियों को भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे भाई भाई का घर है,
देवरानी जेठानी का घर है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू का घर है, वो अपने अपने मंदिर अपने अपने रूम में या इधर उधर बना लेते हैं, ऐसा नहीं। घर में एक ही मंदिर का स्थान होना चाहिए, नहीं तो उस घर में मानसिक शारीरिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, श्रद्धा इतनी होती है कि वो सोचते हैं, वो गुस्से से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, वो ऐसे शौक से एक अपना मंदिर बना लेते कि इसमें मेरे भगवान रहेंगे। तो ये आपके घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती है, इसलिए कभी भी आपके घर में एक से अधिक मंदिर नहीं होना चाहिए। जो हनुमान जी की मूर्तियाँ रखते हैं, वो लोग को बता दूँ, हनुमान जी की मूर्ति भी एक ही होनी चाहिए, और कोशिश करें कि खड़े हुए हनुमान जी की मूर्ति आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो लोग को करियर के लिए बताती हूँ, फ्लाइंग हनुमान जी की, वो लोग रख सकते हैं, बजरंगबली की, उड़ते हुए बजरंगबली की फ़ोटो रख सकते हैं, लेकिन खड़े हुए हनुमान जी की मंदिर में मूर्ति ना रखें। और परिवार में अगर कलेश ज़्यादा है तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति आपको स्थापित करना चाहिए, और हमेशा ऐसे होनी चाहिए हनुमान जी की मूर्ति कि दक्षिण दिशा की ओर उनकी नज़रें हों। आप चाहे तो जैसे राम दरबार के साथ रख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ऐसे राम दरबार रखें कि हनुमान जी उत्तर में आ जाते हैं, उनकी आंखें दक्षिण दिशा की ओर होती है। इसी तरह से जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, गणेश जी, दुर्गा माता और कुबेर जी, इनको भी, क्योंकि इनको उत्तर में स्थापित करना चाहिए। तो जब आप उत्तर में मूर्तियां स्थापित करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली भगवान की फेस जो होती है वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाती है। तो जो जो देवी देवता अलाउड हैं उत्तर में रख करके दक्षिण में पूजन करना, वो है गणेश जी, दुर्गा माता और कुबेर जी। जो सूर्य देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, महेश है यानी शिव जी हैं, इनको पूरब दिशा में स्थापित करना चाहिए और पश्चिम की ओर मुख करके इनका रखना चाहिए। यानी भगवान देवी देवता का मुख कहाँ हुआ, पश्चिम हुआ, आपने जब पूजा करी तो पूरब की ओर मुख करके करना चाहिए। घर में जो भी मूर्तियाँ रख रहे हैं, देखिए फोटोज़ रखी जा सकती है बड़ी, लेकिन जब मूर्तियाँ रखते हैं तो मूर्तियों की आकार, मूर्तियों की साइज़, मूर्तियाँ बहुत सावधानीपूर्वक रखनी चाहिए। घर के अंदर 9 इंच बेस्ट होता है, फिर भी चाहे तो चाहे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की भी दिक्कत होती है, तो कहीं अगर 10 इंच तक की मिले तो आप रख लीजिए, इससे ऊपर किसी भी देवी देवता की मूर्ति आपको नहीं रख सकें, नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति अष्ट धातु की होनी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सके तो वो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो पंच धातु की भी चलेगी, या फिर पीतल, तांबा, सोना, चांदी या कांसे की धातुओं से बनी हुई मूर्ति होनी चाहिए। और ध्यान रखें, खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित बताई गई है। पूजा कक्ष में अगर आपके पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति हो जो टूटी हुई हो, या फिर कहीं से आपने उसको कहीं से मुड़ गई हो, टूट गई हो, एक शिवलिंग होता है जो खंडित नहीं मानी जाती, शिवलिंग पूरे आधे टुकड़े में भी हो जाए या शालिग्राम पूरे आधे भी हो जाए, ये जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं ये खंडित नहीं माने जाते। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती है, वो मूर्तियाँ अगर मैन्युफैक्चर्ड मूर्तियाँ हैं तो टूटी फूटी हो, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें या तो पहले ठीक करवा लें या विसर्जित कर दें, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से पूजा स्वीकार्य नहीं आती, उल्टा नकारात्मक फल मिलता है। उसे तुरंत आपको पूजा स्थल से हटा देना चाहिए, और फिर जैसा मैंने बताया, या तो कहीं ठीक करवा लीजिए या फिर बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो शिवलिंग होता है वो खंडित नहीं माना जाता, मैंने बताया, और ये ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत संवेदनशील होता है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, बोलते घर में शिवलिंग मत रखो, ये नहीं बताते कि शिवलिंग रख सकते हैं, पूजन करना चाहिए शिवलिंग का, लेकिन उसको कितना बड़ा साइज होना चाहिए, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तरी भाग होता है, हमेशा शिवलिंग को वहाँ स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग अवश्य रखा करें अपने घर में, इसके दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब घर के मंदिर में जो शिवलिंग रखते हैं उससे भी ज़रूरी नियम है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एक पार्वत का, एक इसका, एक नर्मदेश्वर, एक स्फटिक का, ऐसे सबको शौक होता है शिवलिंग रखने का, एक से अधिक आपको ऑरा में नहीं आना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी दूसरा शिवलिंग अगर रखना भी चाहते तो घर के बाहर अगर शमी का पौधा है तो आप उसमें स्थापित कर सकते हैं, या बेलपत्र के पौधे में आप शिवलिंग स्थापित करके दूसरा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक साथ दो शिवलिंग नहीं रखे जाएंगे।
दोस्तों यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि घर के मंदिर में जो कोई भी रौद्र रूप की यानी एंगर जिसे काली माँ के जो साधक होते हैं तो वो रौद्र रूप की रखते हैं, रौद्र रूप नहीं रखना है आपको, आपको सौम्य रूप की, परिवार की जहाँ बात आती है, सांसारिक घर की बात आती है, ऐसी कोई भी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई दे या फिर जो कोई भी मूर्ति जो क्रोधित अवस्था में हो, कोई भी देवता की रौद्र रूप वाली हो, चाहे वो शिव जी हो, काली हो, हनुमान जी हो, इस तरह की कोई भी मूर्ति आपके घर में कलह कलेश का कारण बन सकती है। हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीरें, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति, ये चीज़ें भी घर पे नहीं रखनी चाहिए। ना ही शनि देव की मूर्ति आपको अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। जो लोग को भी शनि दोष लगाए पूजन करना चाहते हैं तो वो या तो शनि यंत्र रखिए अपने घर के मंदिर में, वो अलाउड होता है, वो भी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए, और या फिर आप हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करें, हनुमान जी की फ़ोटो को, शनि देव का पूजन जो भी होता है हनुमान जी की मूर्ति पर किया जा सकता है ईशान कोण की ओर मुख करके। ईशान कोण कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। राहु केतु की मूर्ति भी घर पर नहीं रखी जाती है। और युद्ध से संबंधित जैसे महाभारत की तस्वीरें हुआ, ये चीज़ें भी, या भगवान किसी भी रूप में क्रोधित हों, ये चीज़ें आपको घर पे नहीं, इस तरह की फ़ोटो या मूर्ति नहीं रखनी है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमेशा भगवान की जो मूर्तियाँ होती है वो सौम्य होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए और धन्य मुद्रा में होनी चाहिए। कई बार घर के मंदिर में हम ऐसी ही अनजानी वस्तुएं रखते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डालते हैं। उनमें से एक क्या है? हमारे पूर्वजों की तस्वीरें। और जब प्यार होता है, भक्ति होता है, कुछ लोग कहते हैं मैं तो अपने भगवान मानती हूँ, अपने माता पिता को, डेफिनेटली वो भगवान है, लेकिन भगवान और पितृ में अंतर होता है, कहीं एक बॉर्डर लाइन होता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हमारे पितरों को मोक्ष मिले। वो मोक्ष कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो हम भगवान से ही बराबरी उनकी कर देंगे तो भगवान कैसे ब्लेसिंग्स करेंगे? आप तो भगवान और पितृ में ही कंपटीशन डाल दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मृत पूर्वजों की तस्वीरें, पितरों की तस्वीरें भगवान के साथ भगवान का अपमान करने जैसा है। पूजा कक्ष में वैसे पितरों की तस्वीरें रखनी ही नहीं चाहिए, इससे घर में दुर्भाग्य आता है, आपके कामों में बाधाएँ आती है। आप उनको कितना भी प्यार करते हैं पर उनका स्थान अलग होता है। आज आपके बेडरूम से आपको उठा के आपके बच्चे के बेडरूम में डाल दें, आपके दादी के बेडरूम में सुला दें, आपको कैसी फील होगी? अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह से पितर भी अनकंफर्टेबल होते हैं। हमेशा उनको दक्षिण दिशा में प्रॉपर स्पेस देना चाहिए। कहीं पे भी आसन दे के, लकड़ी का आसन दे करके आपको वहाँ पर आपको विराजित करना चाहिए। रोज़ रात में सोने से पहले जैसे आप प्राइवेसी ढूंढते हैं, जब आप सोते हैं तो क्या करते हैं? रूम में पर्दा लगा के सोते होंगे या फिर कमरा ढाल के सोते होंगे या गेट बंद करके सोते होंगे। इस तरह से जनरल आप, कोई एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, आप पूरा खुला दरबार सोते होंगे, बाकी जनरल इंसान ऐसे ही सोते हैं। तो सोने से पहले हम क्या करते हैं? सोने के पहले पर्दा डालते हैं कि भाई रात में हम अस्त व्यस्त तरीके से अगर सो रहे हैं तो कोई घुस गया तो कोई ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से रोज़ रात में सोने से पहले मंदिर पर भी पर्दा डालना चाहिए। जिस तरह से हम किसी की बाधा पसंद नहीं करते, ठीक उसी भाव से मंदिर पर पर्दा आपको ढकना चाहिए ताकि भगवान के भी विश्राम में बाधा ना हो। और कुछ चीज़ें पर्दे की होती है। भोजन, कहते हैं ना भोजन छुप करके करो, लोगों के सामने ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। धन आपका जितना पैसा है वो लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। और देवस्थान, ये तीन चीज़ें ऐसी है, इसका दिखावा करना सर्वनाश का कारण होता है। इनका प्रदर्शन हमारे गण कमज़ोर करता है। और कुछ लोग क्या होता है, घर जब बनाते हैं घर तो अपने देवस्थान को विशेष रूप से ले जाके सबको दिखाते हैं। अरे देखो ये हनुमान जी की मूर्ति हम सालासर से लेके आए, ये राधा कृष्ण की मूर्ति वृंदावन से लेके आए हैं। घर में जहाँ भी देवस्थान बनाओ, पर्दा या कपाट लगाओ और बाहर वालों को कोई दर्शन करे ठीक है, हाथ जोड़े, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, उसका विस्तारपूर्वक डेफिनेशन नहीं देना चाहिए। देवस्थान पर जो दीपक जलाया जाता है उससे देवी देवताओं को ऊर्जा मिलती है, उनकी शक्ति बढ़ती है और वही ऊर्जा आपके पूरे घर में प्रवाहित होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, समृद्धि आती है, धन हो, माया हो, विद्या हो, ज्ञान हो, घर की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए घर की जो भी स्थान हो, देवस्थान, वहाँ पर दीपक अवश्य जलाकर रखना चाहिए। भगवान के देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह जब आप श्रृंगार आदि करते हैं तो चेहरा जो होता है माला और फूलों से नहीं ढकना चाहिए।
हमेशा भगवान की जो मूर्ति रखते हैं ठोस रखें, अंदर से खोखली मूर्ति रखने से बचना चाहिए। और मंदिर में जो मूर्तियां आप रखें वो डायरेक्ट, ऐसे कोई भी आप ज़मीन पर, जैसे आपको मना किया जाता है कि ज़मीन पर बिना आसन के नहीं बैठे, इसी तरह से भगवान को भी बिना आसन दिए आपको मंदिर में, ऐसा नहीं कि मंदिर अलग बनाया उसी पर डायरेक्ट ले गया मूर्ति रख दे, एक कपड़ा बिछाइए, आसन दीजिए भगवान को, उसके ऊपर विराजित करना चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें, इस पर धूल जाले, इसके आसपास बेकार का सामान नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मंदिर के ऊपर छत आपने बनाई है तो उसके ऊपर ढेर सारा सामान आप इकट्ठा कर दें। भगवान की जो मंदिर की छत होती है उसे हमेशा खाली साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में ये शांति और स्थिरता लेकर के आए। और भगवान को जब पुष्प अर्पित करते हैं या भोग लगाते हैं तो उसे ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ दिया, रात को सोने से पहले जो भी भोग हो उसे आपको हटा देना चाहिए, और जो भी पुराने फूल हैं, पुष्प हैं, उसे हमेशा अपने घर के मंदिर से उतार देना चाहिए। विशेष रूप से फूल जैसे ही सूख जाएं उसे तुरंत स्थल से हटा दीजिए, क्योंकि बासी फूल, बहुत बहुत बातें आती है बासी फूल की, बताऊंगी कभी और आपको, बासी फूल आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इसलिए कभी भी अपने मंदिर में ना तो चढ़ाने चाहिए भगवान को बासी फूल, ना आपको वहाँ पर छोड़ने चाहिए। दोस्तों मंदिर कहाँ हो तो घर के हमेशा पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, मंदिर का पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी दक्षिण में मंदिर ना रखें और पश्चिम में भी नहीं रखना चाहिए। इन लास्ट केस अगर आपके पास उत्तर या पूर्व में नहीं है अगर आपके घर पे जगह, तब आप पश्चिम दिशा में मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास सटी हुई दीवार से शौचालय नहीं होना चाहिए, यानी बाथरूम नहीं होना चाहिए। रसोई घर में भी मंदिर बनाना वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता, सीढ़ियों के नीचे, तहखाने में, ये भूल करके भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसे मंदिर आपके घर में शुभ फल को प्राप्त नहीं कराते हैं। मंदिर में जो बर्तन यूज़ करते हैं उसको लेकर के भी बहुत टेंशन होती है, आरती की थाली, जल चढ़ाने के लिए लोटा, घंटी। और ध्यान रखना चाहिए हमेशा पीतल या तांबे के बर्तन, चांदी के अफोर्ड कर सके तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं अफोर्ड कर सके तो कम से कम पीतल और तांबे के बर्तन आपको रखने चाहिए। मंदिर में जिस कपड़े पर आप भगवान को विराजमान करते हैं या मंदिर के पट पर जो कपड़ा लगा है उस पर भी क्या होता है, कई बार घी बाकी चीज़ें लग जाती है, तो आप कई लोग क्या करते हैं, अब एक दिवाली पे क्या उसके बाद सीधा अगली दिवाली पे चेंज करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में जब भी गंदा हो आपको कपड़े को बदलना चाहिए, पर्दे को धो लेना चाहिए। मंदिर में जो कलश का जल होता है उसे रोज बदलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आज पानी रख दिया अब एक हफ्ते तक वही जल भगवान के सामने पड़ा, ऐसा नहीं। मंदिर का जल आपको हर रोज बदलना चाहिए, जो उसमें जल होता है वो रोज आप चाहे तो तुलसी को आप चढ़ा सकते हैं या किसी अन्य पौधे को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भी 5 मोर पंख आपको अपने घर के पूजा घर में जरूर स्थापित करके रखना चाहिए, इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। एक क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि किचन में मंदिर, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए ऐसे में कहीं स्थान नहीं मिलता है, तो किचन में मंदिर बनाया जाए या ना बनाया जाए ये बहुत विवादित है। तो आपको बता दूँ देखा जाए तो वास्तु से बिल्कुल गलत है, लेकिन आज के जब विकल्प नहीं है लोगों के पास ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे स्थापित करें किचन में मंदिर कि चूल्हे के बाईं या दाईं तरफ रखना है आपको। मंदिर के सामने चूल्हा नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर से लेफ्ट जो चूल्हा आपने पोजीशन है आपके चूल्हे का उससे लेफ्ट हो या राइट हो, एकदम अग्नि के सामने आपको मंदिर नहीं रखना है, और सिंक के ऊपर भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि बेसिन है, बेसिन के ठीक ऊपर में आपने रख दिया जहाँ जूठे बर्तन आदि रखते हैं, तो इस तरह से आप ना रखें अपने घर में मंदिर की प्लेसमेंट ना करें। छोटे से अपार्टमेंट में अगर रहते हैं, प्रॉपर्टी का ऐसा ढांचा नहीं है, तो आपके घर में उत्तर पूर्व मंदिर के लिए सबसे बेहतर दिशा है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रोशनी भी आती है। आर्टिफिशियल लाइटनिंग कर सकते हैं अगर डार्क स्पेस है, और अगर खिड़की या और कोई स्पेस ना हो तो इस तरह से आपको वहाँ पे मंदिर को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। जो शख्स पूजा कर रहा है उसकी दाहिनी ओर दिया रखना चाहिए। अगर किसी को दिया लंबे समय तक जलाना है तो दिए को शीशे से ढकना चाहिए। घी का दिया दाहिनी ओर और जो तेल का दिया है वो बाईं ओर जलाना चाहिए।
अगर आप कपूर है, दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो आग के खतरों का ध्यान दे करके छोटे मंदिर में बहुत सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए। दिए का मुख दक्षिण दिशा में सिर्फ पितृ का जलाया जाता है। घर के मंदिर में कभी भी दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना रखें, इससे पैसों का नुकसान होता है। और रूई की हमेशा गोल बाती का ट्राई करें, इस्तेमाल करना चाहिए। जो पितृ का दिया होता है उसमें लंबी बाती यूज़ करनी चाहिए। घर में अगरबत्ती जलाने से शांत वातावरण पैदा होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित होता है। तो घर में धूप हो, अगरबत्ती हो, ये अवश्य जलाना चाहिए। जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो भी आप रीड करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हुआ, रामायण आदि हुआ, ये पश्चिम और दक्षिण की दीवार पर रखना चाहिए। ध्यान रखें, मंदिर में सिर्फ उतने ही पवित्र पुस्तकें रखें जो आपको नियमित पढ़नी है, और फटे फूटे हुए ग्रंथ आपको नहीं रखना चाहिए। मंदिर में जो पूजा की थाली है वो पांच ब्रह्मांडीय तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपकी जो पूजा की थाली होती है वो बहुत अच्छी ज़रूर रखनी चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, डिब्बी में से उतारा, कुमकुम लगाया, चावल लगाया भगवान को, सब एक में एक करते रहते हैं, ऐसे आपको पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा छोटी ही सही कुछ कटोरियाँ एक प्लेट में रख के या एक थाली रखनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हों। जो पूजा की थाली हो वो चांदी की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, मीनाकारी की हो सकती है, स्टील से बनी हुई हो सकती है, और उसमें चावल, कुमकुम, हल्दी पाउडर या हल्दी के साबुत टुकड़े, दिया, पुष्प, ये और एक जल की घंटी, ये आपको हमेशा अपने उसमें रखनी चाहिए। हो सके तो चंदन रखिए, पान सुपारी रख सकते हैं और प्रसाद आदि भी रख सकते हैं, लेकिन अलग से सजा कर रखना चाहिए। कभी भी मंदिर के आसपास कूड़ादान ये नहीं रखना चाहिए, बिना बात की जो फालतू चीज़ें हैं इकट्ठे की हुई। कुछ लोग अपने स्टोर का सामान, कपड़ों की पोटली भगवान के मंदिर के नीचे घुसा देते हैं, और इस तरह से आपको कभी भी मंदिर के आसपास स्टोर रूम टाइप का उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। चमड़े की चीज़ें जिसे अशुद्ध माना जाता है, जानवरों के चमड़ों की चीज़ें भी इस एरिया में नहीं रखने चाहिए। जूता चप्पल जो है इस स्थान से दूर रखना चाहिए। कई लोग दरवाजे पे घुसते ही लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मंदिर बना लेते हैं, लोग वहीं आते चप्पल खोल दिया सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए। जगह अशुद्ध होती है क्योंकि जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं वहाँ पर अशुद्ध चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ पैसे भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। जो लोग भी पूजा घर में शांति चाहते हैं तो वास्तु के हिसाब से कोमल रंगों का अपने घर के मंदिर में इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद हुआ, लाइट ब्लू हुआ, पेल येलो हुआ, ये इसके लिए मुफीद कही गई है। और पूजा घर में गहरे रंग नहीं कराइए, इससे शांति का माहौल नहीं बनता है। और पूजा घर की जो फ्लोरिंग है वो भी हल्की होनी चाहिए, वाइट मार्बल, कोई भी हल्के रंग वाली मार्बल टाइलिंग का आप इस्तेमाल करें। घर में साफ मंदिर एक सकारात्मक आभा को देता है, देवी लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करता है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करें कि इस प्रकार से दिवाली आने के पहले, नवरात्र आने के पहले सभी चीज़ें आप एक जगह कर लीजिए। और घर में मंदिर बनाने वाले लोग ये ध्यान से सुने कि घर को मंदिर बनाएं। हर व्यक्ति चाहता है उसका घर स्वर्ग सा सुखी रहे, खुशी बना रहे, इसके लिए घर में मंदिर बनाता है भगवान की, ताकि भगवान की कृपा उस पर बनी रहे, परिवार सुख से आगे निरंतर बढ़े। तो ऐसा ना हो कि उसी मंदिर को आप कूड़ा घर बना करके रख दें और वो उल्टा आपके घर में सुख और खुशियां देने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा देने लगे। तो अगर आपने भी अपने घर के मंदिर को थोड़ा भी गंदा रखा हुआ है तो इमिजिएटली जाइए, आज की डेट में जैसे ही मौका मिले सबसे पहला कार्य ये करें कि आप अपने घर के मंदिर को सजाएं। और सभी लोग अवश्य शाम को, हर शाम को संध्या किया करें, घंटी बजाइए, कुछ नहीं होना है, घंटी बजाइए भगवान को, जो भी थोड़ा सा दूध ही सही, फ्रूट्स ही सही, ड्राई फ्रूट्स ही सही, मिश्री सही, जो आपकी इच्छा हो, एक केला हो, एक सेब हो, भगवान के सामने आप प्रसाद के तौर पर अवश्य रखें। सुबह शाम अपने घर में घंटी बजाएं। सुबह नहीं भी कर पाते अगर बहुत बिजी स्केड्यूल है तो मैंने पूरा वीडियो दिया हुआ है कि जो लोग भी शाम की पूजा करते हैं तो शाम के वक्त पूजा करने वाले किस प्रकार से पूजन किया करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से निवेदन करें कि आज के बाद अपने घर के मंदिर के पास उस ऑरा में, उस पॉजिटिव ऑरा में कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही वहां खड़े हुआ करें, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसी सकारात्मकता आती है, आपके जीवन की बाधाएं कैसी दूर होती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।